समय मैं हूँ महाराजा सूरजमल पार्क में, जो आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में पड़ता है विश्वास नगर के आगे द लीला होटल के पास। आज मैं आपको महाराजा सूरजमल पार्क दिखाऊंगा, पूरा अंदर से घुमाऊंगा, क्या क्या चीज़ें इस पार्क में, कितना बड़ा है ये पार्क और पार्क के अंदर कौन कौन सी घूमने की प्लेसेस है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी जगह है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए घूमते हैं मेरे साथ महाराजा सूरजमल पार्क। जिस समय मैं आया हूँ शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो कोशिश करें आप शाम को ही पार्क में आए या फिर सुबह आ सकते हो, क्योंकि दोपहर में आओगे तो आपको बहुत धूप मिलेगी। ज़्यादातर लोग जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं वो लोग इस पार्क में आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं क्रिकेट खेलने, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में रनिंग करने आते हैं लोग, बाग जो सीनियर सिटीज़न है वो वॉकिंग करने आते हैं, योगा मेडिटेशन करने आते हैं। यहाँ पर एक पानी का वो हुआ करता था स्विमिंग पूल, इसमें किसी समय में पानी रहा करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। सामने से आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप किस तरह से पूरा सूखा पड़ा है, अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन पहले इसमें पानी होता था, तो काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो महाराजा सूरजमल पार्क है, ये आपका सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद बाहर के गेट पर ताला लग जाता है, उसके बाद आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। महाराजा सूरजमल पार्क है, वो महाराजा सूरजमल ने बनाया था, जो कि भरतपुर के राजा थे राजस्थान के, इनकी समाधि भी इस पार्क में बनी हुई है, तो आपको उनकी समाधि भी दिखाऊंगा कि कहां पर बनी हुई है और कैसे बनी हुई है। मेरे पीछे जो भरतपुर महाराजा सूरजमल राजा थे उनकी समाधि है, किस टाइप की बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, आपको दिखाता हूं सामने से। यहाँ बैठने के लिए भी कितना बढ़िया सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया। मेरे पीछे जो है कितना बड़ा खाली मैदान है, ग्राउंड है, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, आपको पास ले जाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप पीछे कितना खाली बड़ा बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पर बच्चे साइकिल चला रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और अपना जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब अगर आप सुबह सुबह क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो आप इस पार्क में विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पार्क है उस हिसाब से आपके लिए। तो लोग आते हैं इस पार्क में जॉगिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए या साइकिल चलाने, बैट बॉल खेलने, अदर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, झूले झूलने के लिए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस पार्क में आते हैं जुआ खेलने के लिए या ताश खेलने के लिए, जैसे बड़े बूढ़े लोग हैं वो यहाँ पे पार्क में ग्रुप में बैठ के ग्रुप बना के ताश खेलते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, तो कृपया आप उनके पास मत जाइए, अपना पार्क में अलग खेलिए, घूमिए फिरिए, मौज करिए। बाकी पार्क बहुत अच्छा है इस हिसाब से मेरे को लगा पार्क विजिट करने के बाद, बहुत बड़ा पार्क है और आपको दिल्ली में पड़ता है, तो अगर दिल्ली में आते और पार्क में जाने का शौक़ है आपको तो इस पार्क में ज़रूर आइए, आपको अच्छा लगेगा। बाकी इस पार्क में झूले भी है काफ़ी और काफ़ी खुली जगह है, मतलब अगर आपको शांति चाहिए, थोड़ी पीस ऑफ माइंड आपको करना है, रिलैक्स होना है, तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। पार्क के साथ ही द लीला होटल है, जो कि दिल्ली में काफ़ी फेमस है, जो पार्क के बाहर से और अंदर से भी दिखता है। पार्क के साथ ही रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से खाना भी खा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, अभी वहाँ पर जाते हैं, चल के देखते हैं कौन कौन से झूले हैं, किस किस टाइप के झूले हैं और क्या माहौल है वहाँ का, जाके देखते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी झूले देखकर। ये देखिए किस तरह के पेड़ यहाँ पर है, आड़े टेढ़े टेढ़े मेढ़े पेड़, पूरे पार्क में आपको ऐसी पेड़ मिलेंगे, देख सकते हो। अगर रात को इस पार्क में आओगे ना तो बहुत ही हॉन्टेड पार्क लगेगा,
रुका नहीं जाएगा आपसे रात को। देखिए मेरे को क्या मिला पार्क में, एप्पल, जो मैंने ये पेड़ से तोड़ा, पेड़ में उग रहा था, आपको बताना भूल गया मैं, पार्क में एप्पल का पेड़ है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आए और एप्पल खाए। मजाक कर रहा हूँ, ये एप्पल मैं अपने घर से लाया हूँ, ये पार्क में मेरे को पेड़ नहीं मिला एप्पल का, पार्क में कहाँ पे एप्पल का पेड़ होगा, तो पार्क में एप्पल खाने का मज़ा ही कुछ और है। फिर चाहता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी बन पाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, लेकिन आशा करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ मैं सूरजमल पार्क के बारे में। तो आप चलते हैं घर, बाकी अगर आप सूरजमल पार्क आना चाहते हैं तो आप बस, ऑटो, ई रिक्शा या अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं, और आपका खर्चा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको सीधा पार्क आना है और आके घूमना है, फिरना है, मौज करनी है बस। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।